नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार में राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है और उथल पुथल किसी अलग दिशा में जा रहा है। एक बार फिर से, जबकि बिहार और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद भी जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुद्दों को लेकर के खींचतान चल रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों के संबंधों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल फिलहाल में कई ऐसी बातें कही हैं। पहला तो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की बात की थी, उसके बाद उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठा करके एक बार फिर से स्थिति गंभीर कर दी है। और ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ बिहार के लिए कर पाती है जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, जबकि विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के और आरक्षण के मुद्दे पर जो उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई जंग छेड़ दी है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जगदेव बाबू के बहुत करीबी रहे, उनके राजनीति को आगे लेकर के चलने वाले उनके पुत्र सीधी तौर पे अब उनसे हम जुड़ते हैं। और जगदेव बाबू ने भी बहुत सारी बातें कही थी आरक्षण को लेकर के। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी दावेदारी, हिस्सेदारी वगैरह, ये सब बातों को लेकर के अब नागमणि जी क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और इस बयान को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सबसे पहले हम उनसे जानना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, मैं कम से कम 6 महीना पहले इस बात को कहा था और जो राष्ट्रीय शोषित समाज दल जो हमारा है जी, उसमें हमने प्रस्ताव पारित करके कहा था कि लालू और नीतीश जो हैं, ये जनसंख्या को काउंटिंग पर जोर दे रहे हैं, जबकि मेरा स्पष्ट मानना है जी ऊंची जात का जनसंख्या बिहार में 10% है जी, और उन्हें 10% आरक्षण दे दिया गया है जी। तो ऐसी स्थिति में पिछड़े वर्ग का 27% जो दिया गया है जी, उसका कोई औचित्य नहीं है जी। के 52% पिछड़ी जाति का जनसंख्या है जी, 27 तारीख से 52% आरक्षण को बढ़ाना चाहिए, है ना? क्योंकि देश के पैमाने पर ऊंची जात का 10% है, बिहार में यो तो 15% है जी। का तो ये बिल्कुल हम लोग का पुराना डिमांड है और उसके लिए हमारी पार्टी जून महीने में पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का भी काम करेगी, 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने के लिए ओबीसी का, बैकवर्ड का। नागमणि जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक ही गठबंधन में है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, तो आखिर वो आरक्षण मांग किससे रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार आतंकवाद देता है और बीजेपी से मुंह में मुंह मिलाए रहते हैं, एक और एक दिन पहले आरजेडी के दरबार में जाते हैं और दूसरा दिन हवाई अड्डा पर गृह मंत्री से बीजेपी के नेता से मिलते हैं जी। तो इस आदमी का कोई चरित्र नहीं है, कब कने पलटा मारेंगे जी, वो कोई ठिकाना नहीं, जबकि इनका जनाधार बिहार में खत्म हो चुका है जी। सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ अब उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं और आप लोग हाशिए पर चले गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा गंभीरता से नीतीश कुमार के वकालत कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने की वकालत कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, बिहार में 2025 तक उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिसको जिसकी बात आप कर रहे हैं जी, वह चमचागिरी नहीं ढकेलचागिरी कर रहे हैं और ये अपना मन से स्टेटमेंट देते हैं जी। नीतीश कुमार को कभी प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे जी, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद ही कंट्राडिक्ट कर दिया था, आपको याद होगा जी, कि मैं प्रधानमंत्री के दौर में नहीं हूँ जी, जी। तो ये सिर्फ चमचागिरी करके चाहते हैं, जबकि कुशवाहा समाज को बेच करके ये नीतीश कुमार के साथ गए हैं। नीतीश कुमार को भी पता है कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई वजूद बिहार में नहीं है, इसलिए अपना क्रेडिट जमाने के लिए नीतीश जी को ब्लैकमेलिंग करने के लिए ये इस तरह का बढ़ चढ़ के चमचागिरी नहीं ढकेलचागिरी कर रहे हैं जी। ऐसे लोग का कोई वजूद बिहार में और स्टेटमेंट का कोई
जो औचित्य है वो हर इनके स्टेटमेंट का कोई औचित्य नहीं है। अलग बात है कि ये जो हमारा पुराना डिमांड है और जो भी कोई पिछड़े वर्ग को 27% से 52% बढ़ाने की बात करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। जगदेव बाबू भी इस बात को कहते थे, उनके विचारधारा को आप शुरू से देखे हैं, उनके साथ रहे, रहने का मौका मिला है आपको, तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए आपकी तरफ से पहल क्या की जाएगी और जो जदयू और भाजपा के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा का चरित्र अलग है जी। वो एक तरह से सांप्रदायिक पार्टी है जी। और वह नाम तो पिछड़े दलित का जरूर लेता है जी, लेकिन काम किसका हो रहा है? बिहार में ऊंची जात का कोई नेतृत्व नहीं है जी। देश में ऊंची जात का नेतृत्व नहीं है जी। यही कारण है कि ऊंची जात के लोग भी बीजेपी से बिल्कुल खफा है, खिलाफ हो रहे हैं जी। और बोचहा जो चुनाव का रिजल्ट आया जी, एक और ऊंची जात के लोग आरजेडी करते हैं जी, तत्काल बीजेपी से जो रिएक्शन था, प्रतिक्रिया था जी, उसके वजह से ऊंची जात के लोगों ने आरजेडी को वोट देकर काम किया है। ये आरजेडी की जीत नहीं है, ये भाजपा के रिएक्शन में जो ऊंची जात के लोग थे उसकी जीत है जी। तो अपने समाज को एकजुट करने के लिए आप अगला कदम क्या उठाएंगे? हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन जल्द मिलने वाला है और मोटा मोटी जून महीने से शहीद जगदेव रथ निकलेगा जी। और पूरे बिहार के सभी जिला में, प्रखंडों में, गांव गांव में हम लोग का दौरा होगा और इन लोग कहीं नजर नहीं आवेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद बाबा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।